मॉर्निंग स्टूडेंट्स, येस्टरडे आई एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन. सो टुडे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन ऑल टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. सो क्योंकि आपको सीवी निकालना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार दोनों की जरूरत रहेगी. प्रेफरेबली हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए शॉर्टकट मेथड ही यूज करते हैं, है ना. लेकिन अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो आप पहले देख लीजिए, अगर एक्स बार होल नंबर आ रहा है तो आप एक्चुअल मीन मेथड यूज कर सकते हैं, फिर आपको दोबारा से एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, so I am writing down some questions today. All the questions you will be doing on your own, I will be just writing down the questions. First question, calculate coefficient of variation of marks obtained by 5 students. Marks is our variable. We always denote variable with capital X. So I have written here marks X, 4, 6, 8, 10, 12. So as far as I can see, X bar is going to be a whole number. So you can use actual mean method, but firstly you need to find out X bar. Kya hoga X bar ka formula? यही है, इंडिविजुअल सीरीज है बेटे, दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज. सो हाउ टू कैलकुलेट एक्स बार, तो देखो समेशन एक्स कितना आया, हाँ, और एन कितना आया, 40 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स बार होल नंबर आ गया. तो कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, फॉर्मूला बताओ. बोलो, सो फर्स्ट कॉलम विल बी, सेकंड कॉलम विल बी, डू इट ऑन योर ओन. Standard deviation upon x bar into 100, 2.5.
ओवर 8 इनटू 100 यू नीड टू कैलकुलेट सीवी करो बच्चे सीवी आ गया डू इट ऑन योर ओन दिस साइड जिसका आंसर आ रहा है तो चैट बॉक्स में भेजिए What happened? So here is another question. Calculate CD. No method is specified. Which one would you prefer? Assume. If anything comes out to be common, then use standard deviation. Standard deviation, summation f dx square upon summation f. माइनस समेशन एफ dx अपॉन समेशन एफ अंडर द रूट तो वी कैन सी 10 इज गोइंग टू बी कॉमन फैक्टर हियर और 5 इज गोइंग टू बी कॉमन फैक्टर इफ सच इज द केस तो ये डैश डैश हो जाएगा और इनटू जीरो ठीक है So, सबसे पहले अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम्ड मीन ले सकते हो Find out these two columns. Take their square, but take their total. Of 2.33 and obviously pehle one aayega 1 point if anyone has found 1.5 ek digit aur aage jayenge 5.51 है श्योर देखो जरा दोबारा से 1 है कि 2 है इनटू 10
ये हमारे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन और इसकी फाइंड आउट कर देना इसके लिए एक्सपायर भी चाहिए हमारे पास तो जीरो भी नहीं है तो एक्चुअल मीन कैसे निकालेंगे हमें कोई और स्टेप कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है इवन फाइंड आउट एक्सपायर यूजिंग शॉर्टकट मेथड व्हिच इज ए प्लस समेशन एफ टी डैश एक्स upon summation x into c where a is summation f t dash x 0 और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ये पूरा 0 हो गया so x bar comes out to be cd standard deviation अगर x bar is 100 0.2 upon 35 into 100. CD find out the value and tell me your answer in the chat box. On after you have calculated standard deviation, you have a standard deviation equals to 141.4. You have x bar equal to 412. So you can calculate CD. CD कैलकुलेट कर लीजिए थर्टी फोर पॉइंट थ्री टू परसेंटेज